हाल ही में इंदौर में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का जो सबसे बड़ा कारोबार पकड़ा गया है, उसमें चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि इसमें हनी ट्रैप यानी खूबसूरत महिलाएं अपना जाल बिछाकर ग्राहकों को फंसाती थी, फिर उनसे लाखों रुपए निवेश के नाम पर अपनी कंपनी में निवेश करवाती थी और इसी में फिर बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाते थे। इसकी सरगना नेहा गुप्ता नामक महिला बताई जा रही है, जिसने बड़ी संख्या में खूबसूरत लड़कियों को अपनी कंपनी में नौकरी दे रखी थी और इन्हें दिन भर ग्राहकों को फंसाने के लिए छोड़ रखा था। ये फेसबुक पर भी अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर ग्राहकों को फंसाती थी। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। ट्रेड इंडिया रिसर्च एंड एडवाइजरी के नाम कि इस कंपनी ने अब तक 25,000 लोगों से धोखाधड़ी की है। कंपनी के पास 25 लाख ऐसे लोगों का डेटा था जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का डेटा जुटाने के लिए कंपनी की संचालिका ने उनको फेसबुक के जरिए हनी ट्रैप कर मुंबई और दिल्ली के बड़े शहर कारोबारियों को ग्रुप में जोड़ लिया और ये सारा डेटा इकट्ठा किया था। SIT द्वारा कंपनी के 25 लोगों पर FIR दर्ज कर 20 लोगों को कंपनी से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 6 लोगों को रिमांड पर भेजा गया है और बाकी को जेल में डाल दिया गया है। SIT के इंचार्ज ने बताया कि कंपनी का ऑफिस मंगल सिटी मॉल की 3री मंजिल पर है और कंपनी के खिलाफ जम्मू कश्मीर के रहने वाले फौजी राजेंद्र सिंह ने शिकायत की थी। जब जाँच की गई तो ये सारा घोटाला सामने आया और कंपनी की डायरेक्टर नेहा गुप्ता सहित 25 लोग इस मामले में आरोपी निकले। इनमें से 6 लोगों को रिमांड पर भेजा गया है और इस कंपनी के सालाना टर्नओवर की बात की जाए तो इसका टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए है और इन्होंने अब तक हजारों लोगों को IT और हनी ट्रैप के जरिए धोखाधड़ी की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।